लाल नाक वाला रेंडियर रुडोल्फ। एक समय की बात है, कहीं उत्तरी ध्रुव पर रहते थे सेंट निकोलस उर्फ सेंटा क्लॉस। वो अभी भी वहाँ रहता है मिसेस क्लॉस के साथ। बोनी और रेंडियर उनके साथ ही रहते थे। बोनी और रेंडियर सेंटा के साथ व्यस्त रहते उपहार जुटाने में, पर इस बार क्रिसमस अलग होने वाला था। सेंटा को स्वयं को एक बहुत ही खास उपहार मिलने वाला था। एक सर्दी की रात में एक बहुत ही प्यारा छोटा रेंडियर पैदा हुआ। उसका नाम था रुडोल्फ, पर ये छोटा बच्चा बाकी रेंडियर की तरह नहीं था। उसका जन्म हुआ था एक लाल चमकती हुई नाक के साथ, पर रुडोल्फ ये न देख सका कि वो क्यों खास है। क्या तुमने रुडोल्फ को देखा है? उसकी नाक कितनी अजीब है, इतनी लाल और चमकती हुई, बिल्कुल एक जोकर की तरह। और ये कितनी बड़ी है, किसी भी रेंडियर की इतनी बड़ी और चमकती हुई नाक नहीं होती। देखो कितनी अजीब है। सभी रेंडियर रुडोल्फ की नाक का मजाक उड़ाते, ये ना समझते हुए कि इससे रुडोल्फ को बहुत खराब लगता। रुडोल्फ हमेशा उदास रहता। वो अलग सा था और उसे अकेला छोड़ दिया गया था। मेरी नाक इतनी चमकती हुई और लाल क्यों है? हर कोई बस मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। मैं बेकार हूँ, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। पर रुडोल्फ को बहुत जल्द ही समझ आने लगा था कि ये भी एक वरदान है। वो शाम दरअसल क्रिसमस की शाम थी। सेंटा क्लॉस अपने रेंडियर को तैयार कर रहा था दुनिया भर में उड़ने को। बॉनी बहुत मेहनत कर रहे थे, कुछ बर्फ हटा रहे थे, जबकि कुछ उपहारों से सेंटा का बैग भर रहे थे और शरारती और अच्छे बच्चों की लिस्ट की जांच कर रहे थे। हो, ठीक है सब लोग, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब हमें जाना होगा। हाँ हाँ, वो सब तैयार हो रहे हैं। आपके बारे में क्या, आपका सूट कहाँ है? क्या आपने अपने बालों और दाढ़ी को कंघी की है? मैं, हाँ, मैं बस वही करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। चिंता मत करो, इसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे प्रिय पति देव, आपके पास कुछ ही मिनट बचे हैं और हर साल हमें आपका सूट और बड़ा बनाना पड़ता है। तभी सेंटा का सबसे बुद्धिमान बौना पेपरमिंट स्टिक सेंटा के पास दौड़ा आया, बहुत ही चिंतित और परेशान लगते हुए। सेंटा, मिसेस क्लॉस, मेरे पास एक बुरी खबर है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में घना कोहरा छाया है, इतना घना कि हमारे अपने रेंडियरों की आंखें भी उसके आर पार न देख पाएंगी। ओ नहीं, ये ठीक नहीं है। आज रात मुझे ये सब उपहार पहुँचाने हैं। दुनिया के सारे बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। अब हम क्या करें? आउच! हमें कुछ तो सोचना होगा, हम बस यहाँ बैठे ही नहीं रह सकते। क्या कोई मदद कर सकेगा? क्या हम आगे कोई बत्ती लगा सकते हैं? नहीं, बत्ती गिर जाएगी। शायद हम एक छोटे रेंडियर को आगे जोत सके, उनकी आंखें शायद कोहरे के आर पार देख सके। सेंटा, नहीं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो, ये कोहरा उनके लिए इतना घना होगा कि वो उसमें से आर पार नहीं देख पाएंगे। तो आप कोई योजना बना कर लाइए, आप क्या सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से मैंने हल ढूंढ लिया है। ए दोस्त रुडोल्फ, आज रात तुम्हारी क्या योजना है? उम्मीद है तुम व्यस्त नहीं होगे। कुछ भी खास नहीं सेंटा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे अपने सभी रेडियस के नाम मालूम है। वहाँ है डैशर, डांसर और प्रांसर और विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डंडर और ब्लिक्सम। रुडोल्फ को विश्वास नहीं हुआ कि सेंटा को सभी रेंडियर्स के नाम मालूम हैं। फिर से? ठीक है, डैशर, डांसर और प्रांसर और विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डंडर और ब्लिक्सम। आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए कोई समय नहीं है, आपने कुछ सोचा है? रिलैक्स करो वाइफी, रुडोल्फ आज हमारी मदद करेगा। चैम, क्या तुम मेरे स्नेक का मार्गदर्शन नहीं करोगे?
सेंटा की पेशकश सुनकर रुडोल्फ हैरान हो गया। वो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने देखा कि इस बीच जब दूसरे रेंडियर चौंक गए थे, साथ ही मिसेस क्लॉज और पेपर भी, पर सेंटा को अपनी योजना पर यकीन था। मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कर सकता। मुझे कोई अनुभव नहीं है। बकवास! तुम परफेक्ट हो। हमें आज रात तुम्हारी जरूरत है। आओ रुडोल्फ, मार्गदर्शन करो। तुम तैयार हो जाओ पेपर। पेपर और मिसेस क्लॉज ने रुडोल्फ को अन्य रेंडियर की तरह तैयार किया। क्या आपको इस बारे में यकीन है? हाँ माय डियर, मुझे ये महसूस हो रहा है। वो और उसका चमकदार नाक अब हमेशा के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा। तब जाने के लिए तैयार हो? या, रुको रुको, बस एक मिनट, सुरक्षा पहले। चलो डैशर, डांसर, प्रैशर, विक्सेन, कॉमेट, क्यूपिड, डैंडर और ब्लिक्समैन और रुडोल्फ। अब पोर्च के ऊपर जाओ, अब दीवार के ऊपर, अब भागे चलो, भागे चलो, भागे चलो साहब। सेंटा की स्ले धीरे धीरे बढ़ी और फिर वो रात के आकाश में उड़ गई। रुडोल्फ घबराया हुआ था। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि वो क्या करने वाला है। दूसरे रेंडियर्स उसे घूर रहे थे। उन सब ने ये जान लिया कि रुडोल्फ कितना खास था और उन्हें उसका मजाक उड़ाकर अपराध बोध हुआ। जैसे रात अंधेरी हुई, कोहरा और घना हो गया। रुडोल्फ और अन्य देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रुडोल्फ सेंटा क्लॉज की ओर मुड़ा, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मेरे बच्चे, अब। जब कोहरा अपने पूरे घनेपन पर था, रुडोल्फ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका नाक लाल चमकदार हो गया, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। उसने आगे का रास्ता रोशन किया सेंटा और दूसरे रेंडियर्स के लिए। उन्होंने रुडोल्फ का उत्साह बढ़ाया बहुत हर्षोल्लास के साथ। रुडोल्फ के चमकीले और लाल नाक और दूसरे रेंडियर्स की मदद से सेंटा दुनिया भर में हर बच्चे के लिए उपहार पहुंचा सका। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, तुम खास हो मेरे बच्चे। तुम अब हमेशा मेरे स्नेह का मार्गदर्शन करोगे अपनी चमकदार चमचमाती नाक के साथ। तुम मेरे लिए क्रिसमस के उपहार हो। फिर जैसे कि हुआ, अब रुडोल्फ हमेशा के लिए सेंटा की स्ले में आगे चलता। रात भर कोहरे में, बर्फ में रुडोल्फ हमेशा उन सब से आगे होता, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। क्या ये कमाल की बात नहीं है? रुडोल्फ हमेशा अपनी नाक के बारे में चिंतित रहता और देखो वो कितना विशेष बन गया। दिन के अंत में इसी ने उसे सबसे अनोखा बनाया था। तो अगली बार यदि आप आकाश में ऊपर देखेंगे और सेंटा की स्ले को रात भर उड़ता देखेंगे, देखें यदि आपको रुडोल्फ का चमकदार चमकता हुआ नाक मिले, क्योंकि अवश्य ही वो इतिहास बनेगा।